चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ताइवान ने भी अपनी सेना की तैयारियों को धार देना तेज कर दिया। खबर है कि ताइवान ने अपनी सेना के लिए मिसाइल बनाने की रफ्तार को बढ़ाकर दुगना कर दिया। मतलब ये कि चीन की ओर से हमला होने पर वो उसकी हालत पतली करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। असल में अमेरिकी संसद की स्पीकर नैंसी पेलोसी के ताइवान दौरे से भड़का चीन लगातार ताइवान के चारों ओर जोरदार मिलिट्री ड्रिल करने में जुटा है। आरोप है कि इसकी आड़ में उसकी कई मिसाइलों ने ताइवान के ऊपर से उड़ान भरते हुए टारगेट पर निशाना साधा, जिसका करारा जवाब देने के लिए ताइवान ने भी कमर कस ली और वो चीन की ओर से जमीन, हवा या समंदर में होने वाले किसी भी उकसावे वाली कार्रवाई का जवाब देने के लिए अपनी सेना को ज्यादा से ज्यादा मिसाइलों से लैस करने की तैयारियों में जुट गया। और ताइवान के मीडिया ने दावा किया कि इसके लिए वहां की हथियार बनाने वाली सरकारी कंपनी ने ऐसी सुविधाओं का निर्माण पूरा कर लिया जिसके बाद ताइवान की सालाना मिसाइल उत्पादन की क्षमता पहले से दुगना हो जाएगी। मतलब जहां ताइवान अब तक एक साल में अलग अलग क्षमताओं वाली करीब 250 मिसाइलें तैयार करता था, उसकी संख्या बढ़कर 500 हो जाएगी और इनमें खतरनाक सुपरसोनिक क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलें भी शामिल हैं, जिनमें कुछ की रेंज तो 1000 किलोमीटर तक होने का दावा किया गया। मतलब अगर ताइवान ने पलटवार किया तो चीन के कई इलाके उसकी मिसाइलों की जद में होंगे। असल में इसी साल जनवरी में ताइवान की सरकार ने नए हथियार तैयार करने के लिए करीब 800 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 64,000 करोड़ के बजट को मंजूरी दी थी।